अपने जीवन में सब बड़े सुंदर सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के बाद के जीवन के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियों की सच्चाई सामने आने लग जाती है और फिर सपनों के रूप भी बदलने लग जाते हैं। फिर सपने छोड़कर हम जीवन से समझौता कर लेते हैं, सब भूल जाते हैं और कभी-कभी ही उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या सच में सपने बस सपने ही होते हैं और इनके पूरे होने की कोई सच्चाई नहीं है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने जोब या अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 14 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। परमेश्वर अपने लोगों से एक नजदीकी का रिश्ता रखना चाहते हैं और सपने में या दर्शन से बात करते हैं, फिर भी सपने समझने में हमें कठिनाई क्यों आती है? परमेश्वर अपने लोगों के साथ सपना या दर्शन के द्वारा बात करते हैं, लेकिन आदमी उसे समझ नहीं पाता, जैसे वचन में भी हमने अभी देखा था। जो ये दर्शन है, ये इमेजेस हैं जो कि उसकी इमेजिनेशन, उसके माइंड के ऊपर परमेश्वर डालते हैं, और ये आता है जब सोया हुआ है या अर्ध निद्रा में है या फिर जागा हुआ बिस्तर में अपने गहरे विचारों में डूबा हुआ है, जबकि उसका मन धरती की बातों पर या उसके सेंसेस की जो है उनमें लगा हुआ नहीं होता है। परमेश्वर से बढ़िया कोई कम्युनिकेटर इंसान से बात करने वाला हो ही नहीं सकता, और वो सबसे अच्छा रास्ता जानते हैं जिसके द्वारा हर एक से बात करें। हालांकि परमेश्वर के इस प्रकार बात करने का सही मतलब पता नहीं है, लेकिन फिर भी वचन के अनुसार जो जोब 33:14 में है, अलीहू ने जो अय्यूब को बताया वो ये है कि परमेश्वर उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके मन से गर्व प्राइड को हटा देते हैं। आम तौर पर लोग पूरी तरह अपने सपनों को याद नहीं रखते हैं, दर्शन देखते हैं उन्हें याद नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो इमेज बनती है उस सपने के अंदर वो बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का, क्योंकि इस प्रकार जो याददाश्त की शक्ति है देखने से 6 से 7 गुना बढ़ जाती है सिर्फ सुनने के बावजूद। जब हम दर्शन देखते हैं, कोई विजुअल देखते हैं, तो वो एक कहानी की तरह होता है और जो उसको देखता है वो अपने आप को उस कहानी का एक पात्र देखता है, सिर्फ वो देखने वाला नहीं उसमें पात्र बन जाता है, और इसके साथ साथ दिमाग में भी वो सब बातें एक्सपीरियंस होने लग जाती हैं और उसके द्वारा एक्टिवेट हो जाता है दिमाग भी, और फिर वो हमारे साइकोलॉजी, हमारी भावनाओं, हमारे मन को और शरीर को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार जो सपने में कोई भयानक बात होती है, बुराई होती है या आनंद की बात होती है, हम दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं, और जब नींद खुल जाती सपना टूटता है तो बड़ा आराम महसूस करते हैं, हालांकि सपने का असर हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट करते हैं ताकि सपने के अंदर जो दिखाया गया है हम किसी के लिए, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें ताकि वो उस तकलीफ से निकल सके, या किसी के लिए आशीषों का द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए होता है। मत्ती 13:9-15 चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि आप पैराबल्स के द्वारा ही बात करते हैं, क्यों करते हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, जिसके कान है वो सुन ले, क्योंकि हर एक को स्वर्ग राज्य के जो बातें हैं जानने को नहीं दी गई हैं। और फिर उन्होंने उसका कारण भी बता दिया, उन्होंने कहा कि उन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। पाप आने के बाद में आदमी परमेश्वर की बात को ना सुन सकता था, ना उनके संदेश को पूरी तरह समझ सकता है,
और पुराने नियम के दौरान नबी प्रॉफिट चुने गए थे परमेश्वर द्वारा, ताकि वो परमेश्वर का वचन लेके जाएं लोगों के पास और उसके संदेश को उन्हें समझ भी दें। परमेश्वर किसी भी इंसान से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक मीडिएटर को आमतौर पर देखते हैं, और एक विश्वासी के लिए आज के दौर में पवित्र आत्मा परमेश्वर ये मीडिएटर हैं। इजरायली लोग जब बेबीलोन में दास्ता में थे, एग्जाइल में थे, तो उनके अंदर से वो वापस अपने घर में आने का जो आशा थी वो तकरीबन खत्म हो रखी थी, और परमेश्वर का जो वायदा था कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो भी सच्चा है, लेकिन उनकी आशा कम थी। एजेकियल नबी को फिर 37 अध्याय में पहली 12 आयत में परमेश्वर इजरायली लोगों को उस दास्ता में एनकरेज करने के लिए मैसेज देते हैं, उसे एक दर्शन देते हैं, बड़ा अनयूजुअल डिस्प्ले है। और जो एजेकियल नबी हैं उसे फिर वो जाहिर करते हैं, लोगों का जो एग्जाइल है उसे डेसोलेशन और अकेलेपन में जाहिर करते हैं। नबी को दिखाया गया एक वैली का फ्लोर, वैली का जो उसका इलाका था जिसमें बहुत ज्यादा सूखी हड्डियां पड़ी थी, और फिर उसे कहा गया कि इन सूखी हड्डियों को तो कह दे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और एजेकियल नबी ने आज्ञा मानी, और सडनली अचानक उसने देखा कि सब हड्डियां इकट्ठी होने लग गई हैं, उन पर मांसपेशियां चढ़ने लग गई हैं, लेकिन उनमें सांस नहीं था। फिर अगला उसे आगे आती है परमेश्वर से, वो कहते हैं सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा के ये जी उठे। फिर 11वीं और 12वीं आयत में इजरायली लोगों को उन सूखी हड्डियों के साथ कंपेयर करते हुए परमेश्वर ने कह दिया, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजरायल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो परमेश्वर ने उसे कंपेयर कर दिया उन सूखी हड्डियों के साथ, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को उनकी परिस्थिति को देखने को नहीं कहा, जो सूखी हड्डियों को देखने के लिए नहीं कहा, आज्ञा के अनुसार करने के लिए कहा, और उसका रिजल्ट भी फिर आ गया। और क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जब हमारे मन में इस प्रकार कोई स्टॉर्म, कोई तूफान चल रहा होता है, तो हम अंधेरे में वापस जाते रहते हैं, और फिर हमारे अंदर डर समा जाता है, और फिर हम डिस्पेयर में चले जाते हैं। और जब ये चलता रहता है तो फिर हम परमेश्वर से भी अलग हुआ समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने भी हमें त्याग दिया है, छोड़ दिया है। इस प्रकार के ट्रायल्स में राजा दाऊद ने भजन संहिता 42:3 में कह दिया, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है, वेयर इज योर गॉड। जब कुछ उत्तर नहीं आ रहा होता है हमारी प्रार्थनाओं का, तो जो दूसरे लोग जो हमें देख रहे होते हैं वो हमें ब्लेम करते हैं कि तुम्हारा विश्वास कम है, या तुम्हारी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कम है, या तुम्हारा रिश्ता ही नजदीकी का नहीं है, और इस प्रकार तरह तरह की बातें कहने लग जाती हैं, और हमारा विश्वास भी डोलने लग जाता है। और इस प्रकार हमारे ऊपर जो उत्तर आना है हमारे कामों पर निर्भर कर दिया जाता है, जबकि उत्तर आता है परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण। और इस प्रकार हमारे मन में फिर कंफ्यूजन चलने लग जाता है, और फिर हम परमेश्वर का जो प्रोफेटिक जो प्रोफेसी आती है उसे भी हम समझने में असमर्थ होने लग जाते हैं, और उसमें शक करने लग जाते हैं। मार्कुस 6:48 में चेले किश्ती में लगे हुए थे, तूफान आगे से था, और प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ गए, मार्कुस 6:48 में, और प्रभु यीशु उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। और बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार जब हम तूफान में होते हैं तो वो हमसे पास से निकल जाना चाहते हैं, हमें छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए। पहला राजा 19:11 आयत में एलाइजा नबी जब जेजेबेल से भाग कर जाता है और पर्वत होरे पर पहुंच जाता है, जो परमेश्वर का पर्वत है, तो परमेश्वर उसे कहते हैं कि मेरी महिमा तेरे पास से गुजर के जाएगी। निर्गमन 33:22 में मूसा को परमेश्वर कहते हैं, जब उसने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा, तो उसे कहते हैं जब मेरी महिमा तेरे पास से जाएगी मैं तुम्हें
एक चट्टान के बीच में रख दूंगा। एक दर्शन या जो सपना है वो परमेश्वर की तरफ से यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास से गुजरे, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास हमें छोड़ के निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके द्वारा हमें वो अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं ताकि हमें वो विश्वास में अपने नजदीक खींचे। लेकिन हम अलग समझने लग जाते हैं और फिर इस प्रकार हम उसको समझने में भूल करने लग जाते हैं, नहीं समझ पाते पूरी तरह, और इसी कारण फिर हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं और उनको पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे सपने और दर्शन या विजन परमेश्वर हमारे मन में डालते हैं, लेकिन फिर बहुत बार ये पूरे हुए बिना ही समाप्त क्यों हो जाते हैं? पौलुस रसूल विश्वास के दो एक्सट्रीम में रहे। उससे पहले वो सौल थे और वो विश्वासियों को पकड़ते थे। वो एक फरीसी थे और सनहेड्रिन जो कि यहूदी काउंसिल थी उसके मेंबर भी थे, जिन्होंने के प्रभु यीशु को सलीब पर भी चढ़ाया क्योंकि उन्होंने उसे मसीहा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब दमिश्क की रास्ते के ऊपर प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी उसके ऊपर छा जाती है तो वो बदल जाता है, अपना नाम भी वो बदल लेता है पॉल, और फिर वो सबसे ग्रेटेस्ट अपोस्टल माना जाता है जिसने के लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया और आज भी बदल रहे हैं क्योंकि वचन जो लिखे हुए हैं। फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 13वीं आयत में फिर उन्होंने कह दिया 13वीं में कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। कोई भी दर्शन या कोई इच्छा जो हमारे अंदर आती है वो परमेश्वर द्वारा डाली जाती है और फिर हम उनकी इच्छा को विश्वास के द्वारा पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर ये हमारे जीवन में एक फल की तरह आता है जो पेड़ का फल है। पेड़ का फल पेड़ के लिए नहीं होता है, हमारा भी काम जो है किसी दूसरे के भलाई के लिए होता है ताकि हम किसी और के लिए आशीष का कारण बने। यहूदी लीजेंड मानते हैं लोग कि मरियम जो थी वो मूसा की जो बड़ी बहन थी वो एक प्रोफेटस थी। निर्गमन 15:20 में ये लिखा भी गया है और उसका नाम हारून से पहले दिया गया है हालांकि वो औरत थी। मरियम को ये दर्शन मिला माना जाता है कि उसका भाई आएगा और वो इजरायलियों को मिस्र की दासता से छुड़ाएगा, लेकिन उस समय फिरौन ने आज्ञा दे रखी थी कि जितने यहूदी लड़के होंगे उन्हें जन्म पर ही नील नदी में फेंककर मार दिया जाएगा। अम्राम जो मूसा का पिता था वो लेवी था और उसकी माता जोखेबेद, दोनों अलग हो गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे कोई लड़का हो और इस प्रकार वो मारा जाए। लेकिन मरियम के बार बार कहने के द्वारा फिर वो इकट्ठे होते हैं और मूसा का जन्म होता है। इस प्रकार मरियम को जो दर्शन मिला था परमेश्वर से वो पूरा होता है। पहला शमूएल 16:1 में परमेश्वर ने शमूएल को कह दिया कि कब तक तू ऐसे बैठा रहेगा, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमी यशे के पास भेजता हूं क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यशे के 7 पुत्र थे जो के 7 उसके सामने लाए गए, सबके सब परमेश्वर ने नकार दिए। दाऊद जो सबसे छोटा था भेड़ें चरा रहा था और उसके पिता यशी ने उसे नबी के सामने लाने के लायक भी नहीं समझा। इवेंचुअली उसे बुलाया गया और शमूएल ने उसे उसका अभिषेक कर दिया राजा के तौर पर। उस समय दाऊद सिर्फ 15-16 साल का उम्र का था और वो उस राजा बनता है 30 साल की उम्र में, और इस प्रकार शमूएल के द्वारा जो वचन परमेश्वर के पास आता है वो पूरा होता है। आम तौर पर हम एक अद्भुत तरीके से एक इच्छा से भर जाते हैं ताकि हम कुछ करें और फिर हम उसके लिए प्रार्थना भी बड़े जोर से करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और फिर हम उस प्रार्थना को नीचे करने लग जाते हैं और कई बार तो उसे छोड़ भी देते हैं और फिर हम जो बेसिक परमेश्वर का वचन हमें मिला था हम उसे भूल जाते हैं कि ये उनकी इच्छा है और वो हमें उसको पूरा करने में लेके भी जाएंगे। एक बार जब हमने किसी दर्शन के लिए सपने के लिए प्रार्थना कर दिया तो फिर ये उसके बाद एक प्रेपरेटरी पीरियड तैयारी का समय शुरू हो जाता है। दाऊद 13-14 साल तक इस प्रकार विल्डरनेस में घूमता रहा हालां, और इसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र को भी 30 साल की उम्र तक अलग रहना पड़ा, जब उसके बाद ही उनकी मिनिस्ट्री मसीहा की शुरू होती है। अगर हमें परमेश्वर ने हमने प्रार्थना की हमें एक साइकिल मांगा
बाइसाइकिल, उसको आने में को बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें जब मिल गया उसको सीख सकते हैं, उसमें हमारे लिए किसी और के लिए कोई खास खतरा नहीं होता है। अगर हमने मोटरसाइकिल कार या कोई और ऐसी चीज मांगी हो तो उसके लिए ट्रेनिंग का समय होता है, वो ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि उसमें हमारे लिए रिस्क और दूसरों के लिए रिस्क भी काफी ज्यादा है। बहुत जो दर्शन है वो हमारे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हम पेशेंस के द्वारा प्रार्थना में लगे नहीं रहते, उसे छोड़ देते हैं। देखिए, नबी को जो दर्शन मिला वो पहले था कि सूखी हड्डियों को कह दे, पहला स्टेप था कि जो दशा है उसे समझे, विजुलाइज करे, और फिर आज्ञाकारिता में उसके बारे में करे। दूसरा था कि सूखी हड्डियों को उसने बोलना था और उन्हें देखना था कि वो इकट्ठी हों और शरीर का रूप धारण करें। तीसरा था कि उसे फिर चारों दिशाओं से सांस को आज्ञा देनी थी, और पांचवा फाइनल था कि उसे जो एग्जाइल में बेबीलोन में इजरायली थे उन्हें ये शब्द बताना था, ताकि वो फिर विश्वास में आ जाएं, और वो किसी भी समय ये छोड़ सकता था और ये सब कुछ रुक जाता वहां पर। यहूदा इस्करियोती को भी प्रभु यीशु ने चुना था, उसे भी मुक्ति का दर्शन मिला था, अनंत काल के जीवन के बारे में बताया गया था, जिस प्रकार दूसरे चेलों को बताया था। सब चेलों ने यह विश्वास कर रखा था कि प्रभु यीशु रोमियों के राज्य को हराकर अपना यहूदी राज्य वहां स्थापित करेंगे, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने लालच के द्वारा लालच में आकर अपने ही मास्टर प्रभु यीशु को धोखा दे दिया यहूदी लोगों के साथ मिलकर, और फिर वो शोक में भी आया और उसने आत्महत्या कर ली। किसी भी दर्शन या ड्रीम को पूरा करने के लिए उसकी एक कॉस्ट भी है, और ये जो कॉस्ट है ये हमारी इच्छा को अधीन करना परमेश्वर के बारे में, शैतान के द्वारा हमें टेम्प्ट भी किया जा सकता है, कोई फिजिकल तकलीफ भी हो सकती है, सोशल या फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है, हमारा कोई धन दौलत का खर्चा हो जाए, लोग हमें अकेले छोड़ दें, और अगर हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर भी फिर आगे बढ़कर हमारे लिए कोई फालतू जबरदस्ती में काम नहीं करते हैं। जो इनिशियल इमेज था वही उसी पर हम रुक जाते हैं, सूखी हड्डियां तो हमने देख ली, लेकिन उसके आगे फिर उन नाउन में इकट्ठी होती है, नाउन में जान आती है ना, फिर हमारे सपनों में जान आती है, और फिर उसी प्रकार रह जाते हैं। हमें विश्वास में लगे रहना है ताकि हमारे सपने फिर हम उनको देखें और फिर वो पूरे भी हो। हमारे सपने जो लंबे समय से अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अय्यूब को, जोब को परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, लेकिन जो उसके तीन दोस्त थे बार बार उसे ये कहते रहे कि तुमने कोई ना कोई बहुत गहरा पाप किया है पहले, तुम्हें उसके लिए तौबा करनी चाहिए। अय्यूब 27 अध्याय 5वीं 6वीं आयत में फिर वो कहता है उन लोगों को, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। वो अपनी इनोसेंस पर बना रहा और उसने इसी बात के ऊपर अपनी इंटेग्रिटी को पकड़े रखा, उसका मन भी उस स्थिरता में बना रहा। और फिर दूसरा पत्रस, पहला अध्याय 4वीं आयत में पत्रस रसूल ने इसी के बारे में हमारे एक बॉर्न अगेन विश्वासी के बारे में कहा है कि जो अद्भुत हमें प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, पहला पत्रस दूसरा पत्रस उसके पहला अध्याय 4वीं आयत में, तो उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाते हैं, पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर, और ये हम पाते हैं जो शारीरिक लालसाएं हैं उनसे छूटकर। पार्टेकर्स इज पार्ट टेकर्स, हम हिस्सा परमेश्वर की उस अद्भुत उनकी नेचर का हम पा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। शेर एक राजा है पूरे जंगल का, उसे किसी ने ये सिखाया नहीं है, लेकिन वो चलता है, हालांकि वो सबसे बड़ा भी नहीं है, सबसे बलवान भी नहीं है जंगल में, वो उसकी जो राजा की नेचर उसे भरा हुआ है और सब जानवर उसको पहचानते हैं। क्या हम अपने आप को जो पत्रस रसूल ने कहा है हम उससे पहचान अपनी बनाते हैं? क्या हम
परमेश्वर के बच्चे होने के साथ जो उनके हम सहभागी हो गए हैं प्रभु यीशु के साथ, क्या हम जो शैतान ने अधिकार जमा रखा है हम उसको कंटेस्ट करते हैं? जब हम ये करते ही नहीं तो हम अपने सपनों को पूरा करता हुआ कैसे देखते हैं? जब हम परमेश्वर की उस जो उनकी वो डिवाइन नेचर है उसे हम पहचानते ही नहीं और फिर उसे पूरा होने की आशा भी नहीं करते तो कैसे होता फिर ये? भजन संहिता 37:4 में राजा दाऊद ने कह दिया, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, उसके डिलाइट इन गॉड इज टू नो हिम, पहले उन्हें जानना है और फिर उनके साथ नजदीकी रिश्ते में जाना है। और इसके बिना ना तो हम अपनी इच्छाओं को उनके साथ अलाइन कर सकते हैं और ना ही उनकी इच्छा हमारे अंदर जो उनके वचन के द्वारा हमें मिली है ना ही वो काम करने लगती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला तो जो स्टेप है वो है कि दर्शन या ड्रीम को पाना, उसे प्राप्त करना, पकड़ लेना। गिनती 13:2 में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि 12 लोगों को भेज उस कनान देश को देखने के लिए जो मैंने इजरायलियों को दे दिया है, लेकिन वो उसको ओनरशिप को विजुअलाइज ही नहीं कर सके। उन्होंने वहां जाकर दैत्य देखे, परमेश्वर के वचन का एहसास नहीं किया। फिर गिनती 14:28 आयत में परमेश्वर ने कह दिया कि जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, जो तुमने कहा वही मैं करूंगा। और क्योंकि यहोशुआ और कैलब ही थे दो जो विश्वास कर गए और वही उसको प्राप्त कर सके। दूसरा है जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मुद्दा, उस पर फोकस रखें। दुनिया और उसके चारों तरफ जो सर्कमस्टेंसेस उसे ना देखें हम। याकूब की पुस्तक उसका 4:4 उसकी 4 आयत, याकूब 4:4 उसकी 4 आयत में याकूब ने कहा है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनता है। अब कौन चाहता है जो कोई परमेश्वर के खिलाफ हो जाए? इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हर दिन देख ढूंढना है, उसमें परमेश्वर को ढूंढना है। तीसरा है जो माफी ना किसी को देना, उसे हम एकदम छोड़ दें, किसी बात को पकड़ के ना बैठे रहे। परमेश्वर के जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना हमें सिखाई उसमें भी यही है, कंडीशन है, जैसे हमने दूसरों को माफ कर दिया ऐसे हमें भी माफ करो। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी माफी नहीं पाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12:2 उसकी पहली ही आयत में कहा गया है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो। जो पाप है किसी को माफी ना देना, ये बोझ है, ये फंदा बन जाता है हमारे लिए और इसमें हम फंस जाते हैं। परमेश्वर के अंदर जो हमारा वो रूप उसका नेचर है, परमेश्वर है आई एम, जो कि प्रेजेंट के हैं, पास्ट के नहीं है, फ्यूचर के नहीं है। और फिर हम पास्ट को पकड़कर कैसे बैठे रह सकते हैं? फिलिपियों की पुस्तक 3:13 उसकी 13 आयत के अंदर, फिलिपियों 13:13 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं मैं। आगे की बातें कौन सी हैं? हमारे स्वप्न, हमारे दर्शन। चौथा है, परमेश्वर के प्यार से इतना भर जाओगे वो ऊपर से उमड़ कर जाए। वो मत्ती 5:44 में जो सर्मन ऑन द माउंट है, प्रभु यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें भी आशीष दो। और उन्होंने स्लीप पर यह किया भी, जिन्होंने उन्हें स्लीप पर चढ़ा दिया उनके लिए परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना कर दी। 1 कुरिन्थियों 13:4-8 आयत में पौलुस रसूल ने जो प्यार है, परमेश्वर के प्यार, उसके गुण वर्णन कर दिए हैं, लेकिन वो इतना सिंपल भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने प्यार को जाहिर किया अपने पुत्र के द्वारा, और पत्रस रसूल जो परमेश्वर का प्यार था उसे जाहिर करने में, जो वो उनसे प्यार करते थे वो जाहिर करने में भी परेशान हो गए थे, जब प्रभु यीशु ने उनसे पूछा समुद्र के किनारे पर, यूहन्ना नबी की आखिरी चैप्टर में, और पत्रस रसूल ने उन्हें इनकार कर दिया था 3 बार उससे पहले। जो सबसे बड़ा प्यार का
जो प्रगटावा है वो ये है कि हम किसी दूसरे को जो गुम है, जो नहीं जानता है प्रभु यीशु को, उसे हम वचन सुनाएं। पांचवा है, और फिर हम प्रार्थना करें और जो हमें दर्शन या स्वप्न मिला है उसके बारे में परमेश्वर से बात करें। जो हमारे विचार हैं और जो हमारे बोले हुए वचन हैं वो परमेश्वर की जो बल है उससे हमें जोड़ देते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को सिखाया, जो वो पर्वत को बोलने के बारे में था, इस पर्वत को बोलो ये गिर जाएगा, समुद्र में जा गिरेगा। उन्होंने कहा जो वो कहता है वो उसके लिए हो जाएगा। फिर लूका 6:45 में प्रभु यीशु ने कह दिया के मन जो है, मन इंसान का स्रोत है हर इच्छा का। उन्होंने कहा मन में जो भरा है वही मुंह पर आता है, जो उसके मन में वही आता है। अगर उसके मन में ये विश्वास है कि मेरा ये सपन पूरा होगा तो वही वो बोलेगा भी, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो फिर ये हम उसको पूरा होने में रोक देगा। छठा है विश्वास में और पेशेंस में बने रहे। हम चाहते हैं कि जो हमने चाहा इसी समय पूरा हो जाए, और हम परमेश्वर के वचन को फिर उसी प्रकार मोड़ने लग जाते हैं। लेकिन टीचिंग ये है, इब्रानियों की पुस्तक 6 उसकी 12 आयत, यहां लिखा है विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस बनो। विश्वास और धीरज, इसका मतलब है ओबीडियंस में लगे रहना, इधर उधर भटकना नहीं, विश्वास में बढ़ते जाना और वचन में बढ़ते जाना। छोड़े ना फिर, हम दर्शन को पकड़े रखें। फिर जितनी बड़ी आशीष हम मांग रहे हैं उसको पूरा होने में समय भी उतना ही लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी हमारी हो रही है। 7 है डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का हम अपना मुद्दा बनाएं। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं टाइथ भी देता हूं, चर्च भी जाता हूं, सब कुछ मैं काम करता हूं, लेकिन दूसरों की तरह मुझे आशीषें नहीं मिलती हैं। भजन संहिता 100, लोग यहूदी मानते हैं कि राशि ने ये कहा है, जो यहूदी रबी ये बहुत मशहूर थे, कि ये राजा दाऊद ने लिखी, ये मूसा ने लिखी, लेकिन आमतौर पर इसे दाऊद ने लिखा हुआ माना जाता है। दाऊद जो कि परमेश्वर के मन का इंसान था। यहां पर जो 4 आयत में मैसेज है वो ये है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ग्रम्बलिंग, कंप्लेंट करते रहना, ये हमें परमेश्वर का जो आशीषों की वर्षा का स्थान है उसे बाहर ले जाता है, और धन्यवाद के द्वारा हम उनके बल के साथ जुड़ जाते हैं। एक यहूदी जो इंसान, जो ऑश्विज, जो होलोकॉस्ट में, जो जर्मनी में था, उसमें से बच के आया था, तो वो हर रोज यहूदी बच्चों को स्कूल बस में जाते देखता था। किसी ने पूछा ये क्या करते हो, उसने कहा जो सूखी हड्डियां हैं मैं वो देखता हूं यहां जीवित हो रखे इन बच्चों के द्वारा। हम भी अपनी जो सूखी हड्डियां हैं उनके उनसे बात करें, जो हमारे मुर्दा सपने बन गए हैं हम उनकी तरफ देखें, और फिर उनमें हम जीवन डाल दें, और फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनके बल में और उनके वचन को कॉन्फर्मेशन पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा होता हुआ देखते हैं। वो विश्वासी हैं और वो तैयार हैं जो उन्होंने कहा है उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि जो उनका वचन है उसके वचन के अनुसार वो चाहते हैं कि सब कुछ पूरा हो। क्या हम अपने सपनों की सूखी हड्डियों को बोलते हैं? क्या हम लगे रहते हैं सांस फूंकने के लिए? जब हम ये करते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं, दर्शन पूरे भी होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, हर तरह की आशीषें देते हैं। आपने हमें अपने अक्ष रूप में बनाया और अपनी ही नेचर से हमें भर दिया पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, सहायता कीजिए कि हम इस प्रकार बदलते जाएं दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के रूप में, और फिर उनकी तरह वो सब काम करें जो इनका उन्होंने वायदा किया कि हम भी वो कर सकते हैं। फिर जो हमें दर्शन मिला है हम उसे पूरा करें, और फिर हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अब्राहम को परमेश्वर का वादा मिला था कि उसकी वंशज कनान की पूरी धरती के वारिस होंगे।
लेकिन उसके जीवन में ये पूरा नहीं हुआ, पर वचन में उसे उसके विश्वास के कारण धर्मी माना जाता है। पौलुस रसूल को राजाओं के सामने वचन की गवाही का वादा मिला, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उन्हें बंदी बनाकर रोम ले जाया गया। क्या हम जो दर्शन देखते हैं उसे पाने के लिए विश्वास में दृढ़ता से बने रहते हैं ताकि परमेश्वर अपना काम पूरा कर सकें? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।